सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान जहां पूरी तरह से वो भगवा में दिखे, तो वहीं इस दौरान उनके दोनों पुत्री और पत्नी साथ में मौजूद रहे। वहीं अब राजीव प्रताप रूढ़ी रोहिणी के खिलाफ सड़कों पर हैं। बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी इससे पहले लोगों के बीच पहुंचकर चौमीन और बर्गर बनाते दिखे थे, तो इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी भुंजा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं लोग भी उन्हें देखकर रुककर ये देख रहे हैं कि कैसे वो भुंजा बना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी सड़क किनारे भुंजा बनाने में लगे हैं, वहीं लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। सारण के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर महर्ता शंभु सारण पांडे के कार्यालय कक्ष में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में राजीव प्रताप रूढ़ी ने नामांकन किया था। वहीं आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने नामांकन के दौरान एक और जहां चुनावी हमला बोला, तो वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 40 सीटों की राह पर है, देश भर में 400 सीटें पार करने का भरोसा है। रूढ़ी ने ये भी कहा कि आज सारण में अपना नामांकन दाखिल किया है। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहते हैं, तो अब लालू की बेटी आ जाए या फिर कोई और आएगा तो एनडीए ही। देखिए किस तरीके से नामांकन के बाद अब राजीव प्रताप रूढ़ी लोगों के बीच पहुंचकर भुंजा बनाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।